इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास सिक्स का मैथ देखेंगे। और इसके पहले देखिए हमारा जो वन प्रैक्टिस 1.1 से लेकर 7 तक जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। देखिए जो मैथ होता है एक लॉन्ग जो है सब्जेक्ट होता है, जिससे हमें निरंतर जब हम करेंगे तो जो है हमारा ये जो है कि हमारा पूरा हो पाएगा। और इसमें जो है हम जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही हमें ज्ञान मिलता है। जिस प्रकार से हम लोग चाकू को रगड़ते हैं तो धार होता है, सेम इसी प्रकार से अगर हम मैथ को लगातार जो है सॉल्व करते हैं उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से देखिए इसीलिए हम जो है निरंतर जो है आपको वीडियो के माध्यम से एक के बाद एक जो है आपको एक एक करके जो है प्रैक्टिस जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस इसमें पढ़ेंगे 2.1, जिसमें जो है आज हम लोग कुछ पीछे वाले चैप्टरों से प्रैक्टिसों से जो है भिन्न पढ़ेंगे। उसमें जो है माइनस प्लस इंटू डिवाइड इस प्रकार की चीज़ें थी, रोमन काउंटिंग थी, लेकिन इसमें थोड़ा उससे डिफरेंस है, यानी कि भिन्न है, अलग है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कठिन है मान लीजिए। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करते हैं नियम के तौर पर, रूल से, फार्मूला से, तो कोई कठिन नहीं है। और जो जो मैथ होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर हम इसे जो है अच्छे से करते हैं तो ये हमारे लिए एकदम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और इसमें जो हम लोग जब करते हैं तो समय का भी कोई जो है ये नहीं रहता, एकदम समय बहुत फास्ट बीतता है। तो इसलिए आज हम लोग जो है इसीलिए मैथ को जो है कंटिन्यू देखिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैथ जो इतना लंबा सब्जेक्ट भी होता है और जो है इसमें इसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कह रहा कि ये जो दिए गए सवाल हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व करना है, हल करना है। और देखिए इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग जो है अलग अलग करके जो रहता है प्लस रहता है, माइनस रहता है, इंटू रहता है, डिवाइड रहता है, लेकिन अब जो हम सवाल पढ़ेंगे लगभग लगभग इसमें जो है प्लस माइनस इंटू डिवाइड हो सकता है सभी एक साथ आ जाए, नहीं तो कभी कभी दो चिन्ह एक साथ आ सकते हैं, कभी कभी तीन आ जाएंगे, कभी कभी चार आ जाएंगे, चारों आ जाएंगे। उसके अलावा भी देखिए कुछ रूल होते हैं, एक बॉडमॉस का नियम होता है जिसमें जो है ब्रैकेट आते हैं, उसमें हमें जो है बॉडमॉस के नियम के अनुसार जो है सवाल को हल करना पड़ता है। बॉडमॉस बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है और एम फॉर मल्टीप्लाई होता है। बॉडमॉस तो बी जो है क्या बोलते हैं बॉडमॉस, बी फॉर जो होता है वो जो होता है ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवाइड होता है, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है और ए फॉर ऐड होता है और जो है एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है करना पड़ता है। तो पहले देखिए यहाँ पर बी, उसके बाद होता है ओ, डी, एम, ए, यस, इसे बोलते हैं बॉडमॉस। तो ये सब चीज़ें होती है, बी फॉर जो ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ और डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर जो है हमारे सवाल में ब्रैकेट आते हैं तो सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को, उसके बाद हमें ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो है ऐड करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन अगर इनमें से जो है कोई नहीं, मतलब मान लीजिए बी नहीं आता है, बी फॉर ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट नहीं आता है, तो हम ओ से शुरू करेंगे, यानी ऑफ से। अगर ऑफ आता है तो ऑफ जो जब हमारे क्वेश्चन में आता है सवाल में, तो ऑफ को हम लोग किस में बदल देते हैं, इनटू में पहले बदल देंगे, सवाल में आएगा तब, उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो डी फॉर डिवाइड होगा, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, जो है डिवाइड का चिन्ह तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये होता है बॉडमॉस का नियम। हाँ, अगर ये जो है ब्रैकेट नहीं आता है तो हम लोग देखिए ब्रैकेट, अब देखिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट जो होते हैं फोर टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है जो होता है ये होता है सबसे बड़ा कोष्टक, लॉन्ग ब्रैकेट, ये लॉन्ग ब्रैकेट होता है ऐसे इस प्रकार से। उसके बाद होता है मझिला कोष्टक, उसके बाद होता है स्मॉल कोष्टक, सब छोटा कोष्टक, उसके बाद एक होता है लाइन, लाइन जो होता है लाइन ब्रैकेट होता है। तो ये होते हैं ब्रैकेट।
अगर ये चारों जो है अगर किसी चीज में आते हैं, अगर ये चारों किसी चीज में आते हैं किसी सवाल में, तो सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद जो है जो हमारा उससे बड़ा जो है जिसे मझिला हिंदी में बोलते हैं उसे तोड़ते हैं, उसके बाद जो लार्ज हमारा ब्रैकेट होता है सबसे बड़ा वाला उसको तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है तोड़ते हुए चलते हैं, और ये और जो सवाल बीच बीच में रहते हैं उनको जो है हल भी करते हुए चलते, ये रहे कि जो है सिर्फ ब्रैकेट को हटाते चले गए नहीं, उसमें जो आ रहा है मान लीजिए हमारा जो लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइन अगर हम खींच रहे हैं और इसके नीचे जो है इसके नीचे यहाँ पर 4 दिया है और -3 दिया है, अगर हम लाइन का जो हल कर रहे हैं तो इस सवाल को भी हल कर लेंगे, यानी 4 - 3 = 1 इस प्रकार से हम लोग इसको कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे वाला नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ देखिए पहला जो दिया हुआ है इसमें जो है देखिए एक छोटा कोष्टक दिया हुआ 24 - 8 उसमें है, आगे दिया डिवाइड बाई 4, इसको कैसे करना है? तो हमने बताया कि जैसे जैसे कोष्टक रहेंगे उस प्रकार से तोड़ना है। तो सबसे पहले हम कोष्टक को तोड़ते हैं, देखिए 24 - 8 है, 24 - 8 जो है उसमें माइनस करेंगे 24 में से, यहाँ देखिए मैंने हल भी कर दिया है, जो जो 24 - 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा, उसके बाद उसके आगे देखिए कोष्टक खत्म हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह लग जाएगा, फिर 4 में जो है 4 से 16 में जो है डिवाइड करवाएंगे तो 4 जाए कितना जाएगा 16। इस प्रकार से हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, यहाँ देखिए दिया हुआ है सवाल जो है, यहाँ सवाल दिया है 0 × 5 - 15 / 5 + 7, इसको हल करना है। तो हमने बताया आपको कि अगर कोई ब्रैकेट नहीं होता तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर इंटू करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 0 जैसे है वैसे लिख देंगे, इंटू का चिन्ह लगा देंगे, 5 लिख देंगे, उसके बाद देखिए क्या करेंगे 5 के बाद जो माइनस वाला चिन्ह है उसको भी लिख देंगे, उसके बाद यहाँ देखिए 5 और 15 डिवाइड में है तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, 5 × 3 = 15 लिख देंगे, प्लस जो 7 है सेम उसी प्रकार से उतार देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आगे जाएंगे, 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड के बाद इंटू आता है तो 0 आ जाएगा, किसी भी संख्या से अगर 0 में मल्टीप्लाई करते चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो तब उसका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो 5 × 0 = 0 आ गया, -3 लिख देंगे, +7, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए -3 है +7 है, 7 जो है वो जो है बड़ा है और -3 छोटा है तो -+- होता है, ये आपको पता ही है, अगर -- होता तो प्लस हो जाता, तो 7 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया 4 आ गया। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्यों नहीं लगा, देखिए यहाँ 7 जो प्लस में है वो बड़ा है इसलिए जो -3 है वो छोटा है, इसलिए 7 में से हम 3 माइनस किए तो 4 आ गया। इस प्रकार से हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाएगा। फिर हम आ जाते हैं, देखिए दो सवाल हमने बता दिया आपको, इसी प्रकार से आपको अन्य सवाल भी करने हैं। देखिए थर्ड वाला जो दिया है इसमें 2 ब्रैकेट दिए हैं, तो पहले दोनों ब्रैकेटों को जो है एक साथ हल कर लेंगे, यहाँ देखिए इसमें मल्टीप्लाई दिया मल्टीप्लाई कर लेंगे, उधर डिवाइड दिया तो डिवाइड कर लेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस लगा लेंगे, फिर उसको जो है सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो अन्य सवाल हैं उसको कर लेंगे। आगे देखिए सेकंड नंबर सिंप्लीफाई, इसको भी करना है, इसमें जो है दिया हुआ है 18 प्लस, तो सेकेंड वाला देखेंगे, इसमें पहला दिया हुआ है 18 प्लस, फिर ब्रैकेट दिया हुआ, देखिए इसमें जो है मझिला ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है प्लस जो है इसमें दिया है 1 प्लस, उसके बाद स्मॉल कोष्टक है 5 - 3, फिर वो कोष्टक बंद, (5), फिर कोष्टक बंद। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम बताए हैं कि 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, तो हम लोग जो है लाइन ब्रैकेट से तोड़ना प्रारंभ करते हैं, अगर लाइन वाला है तो, नहीं है तो उसके ऊपर वाला है यानी कि जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको तोड़ेंगे, फिर जो है उससे बड़ा ब्रैकेट है उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन वाला तो है नहीं लेकिन स्मॉल वाला ब्रैकेट है,
फाइव माइनस थ्री इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। पहले 18 लिख देंगे प्लस, उसके बाद जो है कोष्ठक के जो है स्मॉल ब्रैकेट से जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है उसको लगा देंगे, उसके बाद 1 लिख देंगे प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा 2, तो यहाँ पर प्लस लिखिए और उसको 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटू 5 है तो 5, उसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर नीचे जाएंगे 18 लिखेंगे इक्वल टू करके प्लस, आप क्या करेंगे एक ही ब्रैकेट में सारी संख्याएँ दी हुई हैं तो इन सभी संख्याओं को एक ही बार से जो है सॉल्व कर देंगे, यानी 5 इंटू देखिए एक ब्रैकेट में यहाँ प्लस और इंटू दोनों है तो पहले इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे, 2 5 10 10 1 11, तो 11 हो जाएगा। अब 18 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29। फिर इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ देखिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो लॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, कोई लंबे से हमें डरना नहीं है, फार्मूले के हिसाब से हमें चलना है, एकदम आसान हो जाएगा। दूरी के हिसाब से जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं लंबा दूरी जाते हैं, ये नहीं कि मान लीजिए हम कौड़ीराम जाते हैं तो बहुत जो है जानते हैं, मान लीजिए दूरी दूर जाना है तभी तो अगर हम जानते हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं, अगर नहीं जानते तो थोड़ा दिक्कत ज़रूर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो मैं आशा करता हूँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, इसी में का मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि 96 माइनस जो है मझिला ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जिसमें 15 डिवाइड बाई 3, फिर जो कोष्टक बंद माइनस, फिर एक स्मॉल ब्रैकेट 45 डिवाइड बाई 15, फिर ब्रैकेट बंद, फिर जो है जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है उससे जो है जो छोटा वाला होता है उसको लगा देंगे इंटू 10 प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए मैंने उसको सॉल्व किया है, यहाँ कैसे सॉल्व किया देखिए, पहले तो 96 है उसको लिख देंगे जैसे है तैसे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे जो मझला ब्रैकेट है, उसके बाद हम इन जो छोटे ब्रैकेट हैं उनको जो है दोनों को एक साथ तोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक समान हैं। तो यहाँ पर जब तोड़ेंगे 3 5 या 15 5 हो जाएगा, और बीच में देखिए माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर 15 3 या 45 होता है तो 3 लिख देंगे -3, फिर बंद कर देंगे कोष्ठक इंटू 10 प्लस 4। अब नीचे आ जाएंगे उसके नीचे आएंगे तो 96 माइनस, अब इसको तोड़ देंगे जो है जो ये छोटे से बड़ा वाला मझला वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 4। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे तो पहले 96 लिख देंगे, अब जो है इन तीनों को सॉल्व करें 10 2 जा जो होता है 20 होता है, और उसके बाद प्लस फोर है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 96 माइनस जो है मल्टीप्लाई करेंगे 20 फिर प्लस 4। अब यहाँ देखेंगे हम लोग जो है किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है, तो यहाँ देखिए 96 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए जो है 96 लिखा है ये प्लस में है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है ये भी प्लस में है, और देखिए जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है प्लस होता है, ये ध्यान देना है। यहाँ देखिए कोई चिन्ह नहीं है, माइनस इंटू कुछ तो प्लस है, तो प्लस और प्लस वाला हम ऐड कर देंगे, प्लस प्लस ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 96 और 4 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में से यहाँ 20 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा जो है 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा भी है, तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस प्रकार से जितने भी जो सवाल दिए हुए हैं इनको जो है आप लोग कर लेंगे 1 2, और थर्ड वाला जो बचा है आप लोग प्रयास करेंगे कि भी कर लें। हाँ अगर दिक्कत होती है तो हमें कमेंट या व्हाट्सअप करें कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत हो रही है ये कैसे सॉल्व हुआ है, तो और बाकी जो सवाल हैं उसको जो है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और जो है हो सकता है हम जो है इसके लिए थर्ड और फोर्थ के लिए एक अलग से वीडियो बनाएं, तब तक आप लोग फर्स्ट और सेकेंड जो है सॉल्व कर लेंगे और घर पर बैठ के इसे करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। इसी के साथ जो है जो कि एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं लगातार आपको जो है मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो इसी प्रकार से जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसी प्रकार से आप लोग भी जो है कंटिन्यू मेहनत करते रहिए ताकि आपका जो ये
कोर्स है जो लॉन्ग प्रोसेस है वो जो है धीरे धीरे इस लॉकडाउन में भी कंप्लीट होता रहे, ताकि आपको एक बार में जो है एक बैग जब आप आते तो ये नहीं कि भार आपके ऊपर आ जाए शुरू से, फिर आपको पढ़ना पड़े तो आपको जो है जो कम समय में ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तो फिर आपकी मेमोरी जो है वो जल्दी काम नहीं करेगी, आपको जो है इसे जो है पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा अगर घर पे करते हैं तो आप जो है अपना काम जो है समय से कंप्लीट कर लेंगे। तो बस यही कहना है, इसी जो है इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।